मैं बुशरा बीबी की बेटी हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड करने की ये वजह है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने मीडिया में अपनी वालदा के बारे में बहुत गंद सुना है। इतना गंद सुना है कि यकीन माने रात की जो नींदें है ना वो उड़ गई हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी नेक और इतनी पर्दादार खातून के बारे में ये बातें सुनने को मिलेंगी। पता नहीं बाबा पे कोई प्रेशर है ये क्या वजह है जो उन्होंने ये सब कुछ किया। मुझे मैं उस सब के बारे में नहीं बात करना चाहती, जो मैं मुख्तसर सी बात करना चाहती हूँ। कुरान को अपने आगे इसलिए रख रही हूँ ताकि अल्लाह से बड़ी अदालत कोई अदालत नहीं है, तो ये कुरान है मेरे आगे। जो कहूँगी सच कहूँगी और नहीं कहूँगी तो कुरान जब मुझे पढ़ेगा तो फिर किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ना मेरी वालदा कोई पीर है, ना उन्होंने खुद कभी किसी को कहा है कि मैं पीर हूँ या मेरे पास आओ, ना कभी हमने कहा है कि हमारी वालदा पीर है। वो पीर नहीं है, लोग उनको कहते हैं तो वो लोगों के मसले हैं जी, लोग क्यों कहते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन वो पीर नहीं है। उसके अलावा मैं ये बात कुरान पे हाथ रख के कह रही हूँ कि मेरी माँ जादू, उनके आस पास जो अल्लाह का नाम ले और अल्लाह के रसूल का नाम ले उसके साथ जादू का नाम जोड़ना एक नहायत ही ज्यादती की बात है। तीसरी बात मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, कुरान पे हाथ रख के मैं ये बात कर रही हूँ कि वाकई ही खान साहब ने निकाह से पहले मेरी वालदा का चेहरा नहीं देखा था। खान साहब जब भी हमारे घर आते थे मेरी माँ ऊपर से लेके नीचे तक पर्दे में होती थी, बल्कि मुझे याद है जब खान साहब आना शुरू हुए थे तो मामा ग्लव्स पहनती थी, तो हम मुझे याद है हम बच्चे पसंद नहीं करते थे, हम कहते थे ग्लव्स बहुत फनी लग रहे हैं मत पहना करें, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं अल्लाह ने का, तो वो हमारी बात नहीं मानती थी फिर भी ग्लव्स में बैठती तो हमें बड़ा फनी लग रहा होता। तो वो वाकई ही खान साहब ने कभी उनको पर्दे के बगैर नहीं देखा। और ये बात मैं कुरान पे इसलिए हाथ ये देख लें आप सब कुरान है ताकि कल को ये कोई ना कहे कि आगे कुरान नहीं था कि किताब रखी है। तो वाकई ही खान साहब ने उनको कभी पर्दे के बगैर नहीं देखा। दूसरी बात, अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी जिसमें मेरे चचाओं ने कहा है कि मेरे वालिद साहब जो थे उनके स्पेल में थे। शुक्र है ये तो मान के हैं कि जॉइंट फैमिली थी और जॉइंट फैमिली में खान साहब उनकी प्रेजेंस में आया करते थे। देखिए ये इनके ना स्मॉल माइंड्स और डर्टी माइंड्स, जरूरी नहीं है कि अगर एक औरत के पास बंदा बैठा हो तो कुछ गलत ही हो रहा होता है। अल्लाह की बस सिर्फ अल्लाह की बातें होती थी ये मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि अक्सर खान साहब को लेक्चर्स जब पढ़ते थे तो मामा कहती थी तुम भी बच्चे, हम लोग गुजरते थे बच्चों को बिठाती थी तो हम कहते थे कि हम तो रूटीन में ये बातें सुन रहे हैं, तो हमें मतलब हम मजाक से कहते थे कि हमें बख्श दें हम ये बातें बहुत सुन चुके हैं, तो अब एक और घट्टा नहीं हमने ये लेक्चर सुनना है। उसके अलावा एक बात मैंने वो ओन चौधरी जो है वो ये कह रहे थे, उन्होंने बड़े इल्जाम लगाए मेरी वालदा पे, उनके बारे में ये कहना चाहूंगी कि अगर चले आपने खान साहब के साथ तो वफादारी नहीं की, हालांकि ताल्लुक आपका सीधा उनसे ही था, मेरी वालदा से तो आपका कोई ताल्लुक नहीं था, तो आप इस चीज का लिहाज कर लेते कि आपके जो बच्चों की माँ है उनको राय हक मेरी माँ ने दिखाई थी। हम सुनते थे जब वो आती थी वालदा के पास और वो राह हक पे मेरी वालदा की वजह से आई थी, इस चीज में कोई झूठ नहीं। तो बस ये मुख्तसर सी बात मैं करना चाहती हूँ, बाकी आगे कुरान है मेरे, अल्लाह की अदालत से बड़ी अदालत कोई नहीं है। यकीन करना है किसी ने करे नहीं करना तो वो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गलत और झूठ जिना का इल्जाम उन पर लगाया जा रहा है और ये लगाया जा रहा है कि उनके नाजायज अफेयर्स थे मेरी वालदा के साथ, तो ये बिल्कुल झूठ है। और मैं अभी भी ये वीडियो रिकॉर्ड जो है मैं अपनी फैमिली के खिलाफ जाके कर रही हूँ, मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद मेरे साथ क्या होता है, लेकिन मेरी माँ ने बड़ा सिंसेयरली हमें बड़ा किया है और हमेशा उनके मुंह से अल्लाह रसूल की बात सुनी है। तो जो एक खातून है ही अल्लाह के रास्ते में, मुझे समझ नहीं आती कि लोग उनके उनके दीन को ही पकड़ के मजाक बनाया हुआ है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो पीर है ना वो कि वो बहुत नेक है और वो बहुत पीरनी है, ये जो पिंकी पीरनी जादूगरनी ये जो सारी चीजें, ये मेरे चचा ने मान भी लिया अब तो एक्सेप्ट कर लिया, जब खान साहब का अरूज का वक्त था उस वक्त तो नहीं इन्होंने ये बातें की आके, तो वो चढ़ते सूरज को लोग सलाम ही करते हैं, तो अब ये लोग बातें कर रहे हैं तो इनको ये पहले बात करनी चाहिए थी। तो बस ये मुख्तसर सी बात है, बाकी अल्लाह ताला सबका इंसाफ करते हैं तो अल्लाह ताला ही करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी।